हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 16 दिन शेष, नामांकन पत्रों की आज की गई जांच। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक वापस ले सकेंगे नाम। विभिन्न दलों सहित निर्दलीय 631 उम्मीदवारों ने भरे हैं नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सोलन में और 9 नवंबर को सुजानपुर में करेंगे चुनावी रैली। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह नादौन में 30 अक्टूबर को भरेंगे हुंकार, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर और 10 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करेंगे रोड शो। टिकट न मिलने से खफा भाजपा के रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में खुद संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री ने 29 अक्टूबर तक बागी नेताओं के नाम वापस लेने की जताई उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में 24 अक्टूबर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि। प्रदेश में इस बार 55,92,828 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष मतदाता, जबकि 27,37,845 महिला मतदाताओं की संख्या। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला के संजौली क्षेत्र में शिमला मंडल चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। इस दौरान सुरेश कश्यप ने भाजपा के लिए किया चुनाव प्रचार और जनता से मांगे वोट।